वेलकम बैक। तो आज एक नवी मतलब मैंने आई थिंक ये कहाँ फील किया था कि फर्स्ट नौकरी एक मतलब कि जैसे वो होता है ना Naukri.com वैसे होता है, फर्स्ट नौकरी होता है, तो वहाँ मैंने फील किया था। तो वहाँ से मुझे ये कल मतलब 16 तारीख 6:55 पर मुझे ये मेल आई थी, तो मैंने देखा नहीं, मैं अभी जस्ट देख रहा हूँ अभी, मतलब कि रात के 8 बज रहे हैं। तो मुझे ये टेस्ट आया हुआ है जो कि आज रात 12 बजे तक वैलिड है। तो मैंने बोला फटाफट देख लेते क्या ये ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है और टेक्निकल MCQ है, मतलब कि वही होगा वो जो एप्टीट्यूड है उसमें हो सकता है, जो क्या होगा कौनस होगा, लॉजिकल होगा और इंग्लिश होगा, और जो तुम्हारा टेक्निकल है उसके ऊपर आई थिंक डेटाबेस के ऊपर होगा और कुछ कोडिंग क्वेश्चन होंगे। चलो फिर देखते हैं इसका क्या है आगे कुछ। तो ये है आई थिंक मुझे वो मेल आया हुआ था, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया आई थिंक 65 मिनट्स का है टोटल पूरा, तो मैं आई थिंक वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बस थोड़ा सा पार्ट दिखा दूंगा। और इसमें देखो प्रोसेस पूरा बताया, यू हैव टू इनवाइट फॉर अप्लाइंग दी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग पोजीशन। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग पोजीशन है जिसमें आई थिंक 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप तो आई थिंक यही वाला है जो असेसमेंट वाला है, सेकेंड इसका टेक्निकल होगा और थर्ड होगा HR। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं, वही माइक्रोफोन वगैरह सब चेक करेगा, देखते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि आई थिंक ये इसमें भी आई थिंक नंबर वगैरह फिल करने होते हैं, एक दो बार मैंने फिल किया है, बाकी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। सिस्टम कंपैटिबिलिटी इसने चेक कर ली, आप वही माइक्रोफोन और कैमरा चेक करेगा। और देखो जैसे मैंने बताया ये आपको, अब वो स्क्रीन शेयर परमिशन वाला सब चेक करेगा, चेक करने के बाद मुझे वहाँ ले जाएगा। तो ये मैं कर देता हूँ सिर्फ ये वाला, तो मैं ये शेयर करता हूँ और प्रोसीड करते हैं इसे। तो लिखा हुआ है ऑल लुक गुड, तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, देखते हैं कहाँ जाना कहाँ है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे लगता है दोबारा वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ये देखो बस ये लिखा हुआ है हे देन वेलकम टू और असेसमेंट, और दिखा हुआ है कि 6 सेक्शन होंगे, 63 क्वेश्चन होंगे और 65 मिनट्स मिले होंगे। यू मे क्लोज दिस विंडो, तो चलो हम बंद कर देते हैं। चलो हमने बंद कर दिया, अब करते हैं यहाँ स्टार्ट टेस्ट। अच्छा तो पहले वो चेक हुआ था, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा बंद करता हूँ, चेक कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो वेलकम लोडिंग असेसमेंट, और ये आ गया वही, और क्या क्या हमें अवॉइड करना है। अच्छा एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, रिफ्रेश नहीं करना है और ऑटो सेव हो जाएगा अपने आप कंप्लीट होने के बाद। तो हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ बिगिन हो रही है हमारी, आई थिंक लास्ट वाले में भी सेम ही हुआ था, अभी भी सेम वही है, क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। प्रोसीड का ऑप्शन आ जाए बस, फिर काफ़ी टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कुछ तो है, कुछ तो मतलब कि रहता है, मुझे लगता है स्टॉप करना पड़ेगा शायद, तभी स्टॉप कर देता हूँ मैं। तो ये आए हमको कॉन्सेप्ट है, ये देखो कॉग्निटिव एबिलिटी देन डेटा स्ट्रक्चर डेटा बेस कॉन्सेप्ट ये सारे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें आई थिंक मैंने जितने हो सकते थे क्वेश्चन ऐड किए फटाफट, क्योंकि मैं वो दिखा नहीं सकता था सारे कि मैंने कैसे किए, बस मैंने क्वेश्चन दिखा दिए हैं, क्योंकि समझ सकते हो ना कि थोड़ी सी समस्या होगा हमें वो करना पड़ सकता है अगर हम इस कंपनी में आगे कुछ होते हैं तो। तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ इंक्लूड तो मैंने पूरा मतलब प्रोसेस ही कर दिया है, बट मैंने आई थिंक 100x पे ये कर दिया है, क्योंकि 1 घंटे का था ये तो कंटिन्यू चलता रहा, तो मैं इसमें बीच में ब्रेक भी नहीं ले पाया जितना आता था मैंने, मतलब मोस्टली मुझे मैंने सच सच बताऊं कि मैंने देखा ही था, जब मैं कॉलेज से आता यूनिवर्सिटी से तो फटाफट मैंने देखा था, क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तभी मुझे मेल आई थी आई थिंक 4:30-5 बजे कि आपका ये है आई थिंक 1 दिन के लिए वैलिड है, 17 तारीख 12 बजे रात तक वैलिड है। तो मैंने आई थिंक रात के 8 बजे स्टार्ट किया था, जितना हो सके फटाफट मैंने जितना हो सकता था सब कर दिया, सही गलत आई थिंक मोस्टली, देखो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ इसमें सिलेक्ट होगा कि नहीं, पर मैंने जितना हो सकता था सभी कर दिया, एक गलत सही, क्योंकि इसमें इसमें आई थिंक 6 सेक्शन थे
तो एक तो कॉग्निटिव वाला था, फिर डेटा स्ट्रक्चर, फिर था DBMS, फिर वो था क्या बोलते हैं उससे एल्गोरिदम वाला था, और एक दो थे कोडिंग वाले थे, और एक दो थे कोडिंग MCQ थे। तो मैं थिंक मैंने सारा ही जितना हो सकता है सारा कर दिया। छोड़ो तो मैंने कुछ नहीं, पता नहीं नेगेटिव मार्किंग थी कि नहीं थी। और हाँ, इसमें ये भी आया था क्या बोलते हैं एल्गोरिदम के जो बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये, और ये DBMS तो मैंने स्टार्ट में बताया, और कोडिंग वाला तो ये देखो चल ही रहा है क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड था, तो मैं इसी लिए तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा वो है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है कम्प्लीट। और बस जब ऐसे मैंने स्टार्ट में ही बताया जैसा मर्जी सही गलत, मैंने मतलब सारा ही अटेम्प्ट कर दिया। 65 थे आई थिंक, 65 क्वेश्चन थे और 70 मिनट हमें मिले हुए थे, 70 मिनट थे कि क्या थे। तो यही है बस, फिर अब तो यही ख़त्म ही हो गया। तो बस फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. The world seems small, we can sit together.